नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और इस समय देखिए दिन के लगभग 3:15 हो रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यानी कि जो होली है अपने बनारस में वो है 7 तारीख को, लेकिन बहुत से ऐसा कन्फ्यूजन था। लेकिन फाइनली आज लगभग देखा है तो लगभग दोपहर के 1 या 1:30 बजे ये मालूम चल गया कि हाँ, जो फाइनल में जो होली जो मनने वाला है वो मनेगा आपका 8 मार्च को, ठीक है। और आज देखेंगे तो इस समय देखिए जो है 7 मार्च है, इस समय जितने भी मार्केट अपने काशी का पूरा टोटल पूरा खुला हुआ है। और कन्फ्यूजन में ही बहुत से ऐसे होलिका जो थे यानी कि 6 तारीख को ही रात में जल गया था, लेकिन देखा है तो यानी कि 100% में से लगभग 5% जो था वो जला हुआ था, लेकिन जो 95% वो नहीं जला हुआ था। यानी कि फाइनली देखा जाए तो यानी कि जो होली मनने वाला है अपने काशी में वो मनेगा 8 मार्च को। तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सामने देख पा रहे होंगे, सामने है मड़वाड़ी चौराहा, सामने देख पा रहे होंगे जो कि मड़वाड़ी चौराहा है। कुछ ही मीटर की दूरी पर आपका है बनारस रेलवे स्टेशन, और दाहिने साइड वाला जो रोड है वो चला जाएगा चांदपुर चौराहा के लिए और मुढ़ैला के लिए भी चला जाएगा। वही बात किया जाए जो बाएं साइड वाला जो रास्ता है वो चला जाएगा मामूरगंज के लिए। फिलहाल देख रहे हैं इस समय देखिए दोपहर का समय है और जितने भी दुकानें आप देख पा रहे होंगे जो कि खुला हुआ है, ये देख रहे हैं एक लाइन से। और इस साइड देखिए पिचकारी का भी दुकान जो है कई सारा खुला हुआ है। और सबसे खास बात ये देखिए इस साइड देखिए होलिका दहन यहाँ पर देख रहे होंगे, जो कि एक टाइमिंग भी लिखा हुआ है और डेट भी लिखा हुआ है यानी कि 7 मार्च 2023 रात 12 बजे। ये देख रहे हैं ना सीन कुछ इस प्रकार है। ये देख रहे हैं अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के मड़वाड़ी चौराहा पर, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दुकान के बारे में बात किया है जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बता ही दिया है। ये देख रहे हैं इस साइड भी देखेंगे तो दुकान पूरा टोटल खुला हुआ है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सामने है मड़वाड़ी चौराहा और ये जो रास्ता है ये मड़वाड़ी पुल होते हुए जो कि चला जाएगा मामूरगंज के लिए और सिगरा के लिए। ये देख रहे हैं ना मार्केट जितने भी आप देखेंगे तो आज पूरा टोटल खुला हुआ है। सामने देख पा रहे होंगे जो कि पिचकारी के दुकान पर काफ़ी ज़बरदस्त वाला भीड़ है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो कन्फ्यूजन में है उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।